बिसमिल्लर रहीम डियर स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन के हवाले से लास्ट लेक्चर में कुछ टर्म्स मैंने डिस्क्राइब की थी और डेल ऑपरेटर को जब मैंने डिफ़ाइन किया था तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट जो टॉपिक हैं वो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल के हवाले से होंगे ग्रेडिएंट को मैंने कुछ इस अंदाज में उस लेक्चर में लिखा था कि डेल ऑफ फाइव ये ऊपर वेक्टर है तो डेल ऑफ फाइव इज़ अ ग्रेडियंट अब यहाँ इसकी डेफिनेशन देख लें डेफिनेशन ये है मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्केलर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन ये इसकी डेफिनेशन है अब इसमें दो तीन बातें आप लोग देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज किस में स्केलर फंक्शन में अब यहाँ जो ऊपर मैंने फार्मूला लिखा था एक डेलो फाइ इसमें फाई क्या था इस अ स्केलर फंक्शन अब इस स्केलर फंक्शन का मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज जो होगा और वो रेट ऑफ इंक्रीज़ किस के रिस्पेक्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू स्पेस और जब हम इसका मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज़ निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्पेस तो डेल चूँकि हाइब्रिड ऑपरेटर था तो ये डायरेक्शन भी एसोसिएट कर देता है तो यहाँ पर आप देखें तीसरी चीज़ कि पर्टिकुलर डायरेक्शन तो ये तीन बातें आ गई इस डेफ़िनेशन में पहली तो मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज़ हुआ और जो इंक्रीज़ था जो रेट था वो हमने निकाला किसके हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू स्पेस और तीसरी चीज़ क्या है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन तो इस चीज़ को ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन का नाम दिया जाता है स्केलर वेक्टर फील्ड के हवाले से मैं पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में अगर किसी ख़ास रीजन में एट एवरी पॉइंट स्केलर पॉइंट फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो फील्ड वो रीजन वो स्केलर फील्ड कहलाएगा यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स भी देख लें एग्जांपल जो है टेम्परेचर ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ रूम एट ए पर्टिकुलर टाइम इज़ अ स्केलर फील्ड टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है और अगर किसी रूम के अंदर एट एवरी पॉइंट अगर इस रूम के अंदर एट एवरी पॉइंट ये टेम्परेचर फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है तो टेम्परेचर जो है वो एक स्केलर पॉइंट फंक्शन कहलाएगा जब हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे ग्रेडियंट ने जैसे कि डेफिनेशन में बताया था कि मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज़ देना है तो अब देखें कि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड वुड बी अ वेक्टर, और वो एक वेक्टर बन जाएगा क्योंकि ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर दैट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट टेम्परेचर इंक्रीज इसका मतलब ये है कि अगर हम ग्रेडियंट लें तो वो उस पॉइंट के ऊपर एक ख़ास डायरेक्शन में जहाँ पर मैक्सिमम रेट ऑफ़ इंक्रीज़ इन टेम्परेचर आएगा वो हमें ग्रेडियंट ऑफ दैट टेम्परेचर वो मिल जाएगा अब इसको मैथमेटिकली देखें कैसे लिखना है हमने उसी तरह फ़र्ज़ करें कि एक आपके पास स्केलर फंक्शन है दैट इज़ रिप्रजेंटेड बाई फाई और फाइव जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्स वाई और जी कोआर्डिनेट के ऊपर अगर हम इसके ऊपर डेल अप्लाई कर दें डेल ओ फाई लेफ्ट हैंड साइड पर देखें डेल अप्लाई कर दिया फ़ाई के ऊपर और राइट हैंड साइड के ऊपर सबसे पहले जो ब्रैकेट नज़र आ रही है आपको ये डेल ऑपरेटर की वैल्यू लिखी हुई है करली ओवर कर ली एक्स टाइम्स आई करली ओवर कर ली वाई टाइम्स ए प्लस करली ओवर कर ली जी टाइम्स के और फाई जो है वो फंक्शन साथ अटैच है तो जो लेफ्ट हैंड साइड पर टर्म डेल फाई है इसको हम ग्रेडियंट ऑफ फाई बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन बोलते हैं अब एक बात आप जहन में रखें कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो ग्रेडियंट ऑफ फाई लिखा हुआ है या ये जो राइट हैंड साइड के ऊपर ब्रैकेट वाली टर्म है ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी बन गई हैं यहाँ पर देखें ग्रेडियंट ऑफ फाई इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी इन स्पेस राइट हैंड साइड पर देखें इसका फर्स्ट टर्म जो है वो इसका एक्स कंपोनेंट आ गया सेकंड टर्म जो है वो इसका वाई कंपोनेंट आ गया और थर्ड टर्म जो है वो इसका जी कंपोनेंट आ गया तो इस तरीके से अगर हम लेट्स फोर कि एक फंक्शन हमें स्केलर फंक्शन दिया जाए फाइव दैट इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री वाई स्केयर माइनस साइन ऑफ जी इसका अगर हमने अब डेल लेना है तो आप देखें कि हम यहाँ पर उसी तरीके से डेल अप्लाई कर दें अगर ऑन बोथ साइड तो हमें उस सकेलर फंक्शन का डेल मीन्स डेरिवेटिव लेना है वेक्टर डेरिवेटिव लेना है आप देखें इसमें वेक्टर भी अटैच हैं और डेरिवेटिव भी लिया जा रहा है तो अब यहाँ पर आप देखें अगर हम सबसे पहले राइट हैंड साइड पर टू एक्स का डेरिवेटिव अगर लें विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स तो ये आ जाएगा टू और शायद आई यूनिट वेक्टर अटैच हो जाएगा सेकंड फैक्टर के ऊपर देखें थ्री वाई स्केयर अगर आप वाई स्केयर का डेरिवेटिव लें तो ये टू वाई आ जाएगा तो ये थ्री टू द सिक्स वाई टाइम्स जे बन जाएगा तो ये सेकेंड फैक्टर आ जाएगा और साइन का डेरिवेटिव आपको मालूम है काज होता है तो यहाँ पर कॉज ऑफ जी हो जाएगा और साथ के यूनिट वेक्टर जो है वो अटैच हो जाएगा तो ये हमने इस स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर अब नेक्स्ट इसको हम कंफर्म कर लेते हैं इसके रिलेशंस को ग्रेडियंट के आ, यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखें यस ये जो डायग्राम आपको बनी हुई नज़र आ रही है इस डायग्राम में दो लेवल सर्विसज कंसीडर की गई हैं लास्ट लेक्चर में मैंने जब स्केलर फील्ड वेक्टर फील्ड के हवाले से बातें की थी तो मैंने लेवल सर्फेस को भी डिफ़ाइन किया था कि ऐसी सर्फेस जिसके ऊपर स्केलर पॉइंट फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करें तो वो लेवल सर्फेस कहलाती है यहाँ पर दो लेवल सर्फस कंसिडर की गई हैं सबसे पहले बॉटम में देखें यहाँ पर ये फर्स्ट लेवल सर्फेस है इसको मैं वन का नाम दे रहा हूँ और ऊपर जो है वो सेकेंड लेवल सर्फेस है जिसको मैं टू का नाम दे रहा हूँ अब ये दो लेवल सर्फेस जो हैं वो मौजूद हैं फर्स्ट लेवल सर्फेस के ऊपर हमने पॉइंट ए कंसीडर कर लिया और सेकेंड सर्फेस के ऊपर एक पॉइंट बी और थर्ड जो है वो पॉइंट सी कंसीडर कर लिया तो ये तीन पॉइंट्स हैं और इन तीन पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया विद सम लाइंस और वेक्टर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए टू सी देन ए टू बी और फिर बी टू सी तो ये तीन वेक्टर्स जो हैं वो इस तरीके से बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं इस डायग्राम में यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जो वेक्टर है उसको हम डी आर से डिनोट कर रहे हैं डी आर वेक्टर। इसी तरह फ्रॉम पॉइंट ए टू तो पॉइंट बी जो होगा उसको हम डी एन वेक्टर से डिनोट करेंगे डी एन वेक्टर। और जाहिर सी बात है अगर हमने डी आर का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो वो सिंपल डी आर लिखा जाएगा और अगर डी एन का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो वो सिंपल डी एन लिखा जाएगा अब एक और चीज़ देखें कि ये जो डी आर वैक्टर है इसको मैं नॉर्मल यूनिट वैक्टर भी कह सकता हूँ क्योंकि नॉर्मल यूनिट वैक्टर ऑलवेज़ परपेंडिकुलर टू द सर्फेस किसी भी सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर वैक्टर होता है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है उसको हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी कहते हैं तो वो लेकिन इसकी लंबाई जो है वो यूनिट होगी यहाँ पर जो डी एन वैक्टर होगा इसकी लंबाई यूनिट से ज़्यादा होगी जो कि डिस्टेंस है बिटवीन दो दीज टू सरफेसिस दो सरफेसिस के दरमियान जो फ़ासला होगा इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमें बताएगा कि कितना फ़ासला है चलें अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि अगर पॉइंट ए टू पॉइंट सी इन डी आर लेंथ क्योंकि ए से लेकर सी तक की जो लंबाई थी उसको मैंने डी आर वैक्टर से डिनोट किया था तो उसका जो डी आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड है वो बताएगा फासला बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी तो डी आर लेंथ के अंदर इंक्रीज़ इन स्केलर फंक्शन स्केलर फंक्शन कितना इंक्रीज़ हुआ क्योंकि लेवल सर्फेस वन और लेवल सर्फेस टू के ऊपर तो स्केलर फंक्शन ने चेंज नहीं होना था लेकिन जब हम वन से टू की तरफ जाएंगे तो स्केलर फंक्शन में चेंज आएगा और वो जो इंक्रीज़ हुआ है उसको हम डी फाइव से डिनोट कर रहे हैं चेंज इन स्केलर फंक्शन डी फाइव अगर हमने यूनिट लेंथ के अंदर इंक्रीज निकालना हो तो हमें डी आर को डिवाइड कर देना पड़ेगा यहाँ पर डी फाइव डिवाइडेड बाय डी आर ये बन जाएगा ये बिल्कुल ऐसे ही है मैथमेटिक्स में जैसे हम क्वेश्चन हल करते थे कि अगर मैं कहूँ आपको कि बारह जो सेब हैं वो आए हैं चौबीस रुपये के तो एक सेब जो है वो कितने का आएगा तो आप कहोगे चौबीस बटा बारह इसी तरह ये किया है हमने कि डी आर लेंथ में जो चेंज है वो डी फाई है अगर यूनिट लेंथ में इंक्रीज निकालना है तो डी फाइ डिडेड बाई डी आर हो जाएगा इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पर हम ये लिख सकते हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज़ इन स्केलर फंक्शन फाइव वो बराबर किसके आ रहा है डी फाइव ओवर डी आर ये डी फाइव डिवाइडेड बाई डी आर हमें रेट ऑफ चेंज का बता रहा है कि फाई के अंदर कितना चेंज आ रहा है और चूंकि ये डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस यहाँ पर आप देखें कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ डी बाई डी आर तो ये डेरिवेटिव लिया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन और किसका स्केलर फंक्शन फाई का डेफिनेशन में भी यही बात की गई थी कि मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज़ तो ये तो हो गया रेट इंक्रीज़ ऑफ स्केलर फंक्शन ये स्केलर फंक्शन है फाई अब अगर हम इसके साथ मैक्सिमम लगा दें देखें दोनों एंड के ऊपर यहाँ मैक्सिमम लगा दिए तो फिर ये ग्रेडियंट की डेफिनेशन बन जाएगी इसलिए देखें अब लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो टर्म थी रेट ऑफ़ इंक्रीज़ उसको रिप्लेस कर दिए किससे ग्रेडियंट ऑफ फाई के साथ और राइट हैंड साइड के ऊपर ब्रैकेट के बाहर मैक्सिमम लिखा हुआ है क्योंकि हमने मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज़ निकालना था और मैक्सिमम रेट को हमने ग्रेडियंट का नाम देना है जी अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ फाइ को हम कुछ इस अंदाज़ में डी फाई डिवाइडेड बाय डी एन की फॉर्म में लिख सकते हैं क्यों अभी पीछे देखें जो फार्मूला था वो ये था डी फाइ डिवाइडेड बाय डी आर अब डी आर की जगह डी एन आ गया उसकी वजह क्या है उसकी वजह जो है वो ये डायग्राम है अगर आप इस डायग्राम के ऊपर गौर करें तो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये जो लाइन है अगर इस लाइन की आपको मैं कहूँ कि स्लोप निकालें फ्रॉम तो पॉइंट ए टू तो पॉइंट सी जो लाइन है तो आप क्या करेंगे कि वर्टिकली कोई दो पॉइंट सेलेक्ट करके यहाँ से डेल्टा वाई निकालेंगे और इन्हीं को आप नीचे लेकर कर आएँ एक्स एक्सिस के ऊपर और यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालें तो स्लोप जो है वो हमें मालूम है कि स्लोप का फार्मूला क्या होता है स्लोप इज़ इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x इससे आप स्लोप निकाल सकते हैं और मैथमेटिक्स का ये स्लोप निकालने का अगर आप इस कानून को देखें तो जैसे जैसे इस लाइन की ऐसे हाइट में इजाफ़ा होता चला जाएगा मैं अगर इसको ऊपर की तरफ़ बढ़ाता चला जाऊं तो और फाइनली अगर ये इस डायरेक्शन में आ जाए जो कि ये डायरेक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन तो इसमें क्या होगा कि डेल्टा एक्स जो है ये मिनिमम हो जाएगा ये डेल्टा एक्स और इसको आप ज़ीरो भी कह सकते हैं कि फॉर वर्टिकल लाइन डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू तो ज़ीरो और अगर डिनोमिनेटर में सिफर आ जाए तो स्लोप क्या हो जाएगी वो अनडिफाइंड हो जाएगी अनडिफाइंड से मुराद मैक्सिमम जिसको आप अप्रोच नहीं कर सकते मैक्सिमम हो जाएगी तो वर्टिकल लाइन की जो स्लोप है इस वाली लाइन की स्लोप है मैं कह सकता हूँ कि यहाँ स्लोप मैक्सिमम होती है और जैसे जैसे आप इस साइड पर मूव करते चले जाएं एक्स एक्सिस की जानब तो जो लाइंस होंगी उनकी स्लोप कम होती चली जाएगी जैसे इस लाइन की स्लोप ज़्यादा होगी इस लाइन की स्लोप की कम होगी अगर इधर लाइन प्लॉट कर लूँ तो और कम हो जाएगी इधर लाइन प्लॉट कर दूँ तो और कम स्लोप हो जाएगी और अगर हॉरीजेंटल ऐसे चला जाऊँ तो स्लोप बिल्कुल कम हो जाएगी तो यहाँ से हमें ये अंदाज़ा हो गया कि जो स्लोप है वो मैक्सिमम होती है किस डायरेक्शन में इस वर्टिकल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में देखें कि हमने जो वेक्टर चूज़ किया था वो डी एन वैक्टर चूज़ किया था और इसकी जो मैग्नीट्यूड थी उसको हमने डी एन से ज़ाहिर करना था तो इसलिए यहाँ पर आप देखें कि ग्रेडियंट ऑफ फाइव में जो राइट हैंड साइड के ऊपर टर्म में मैक्सिमम लिखा हुआ था डी फाई डिवाइडेड बाई डी आर और उसके बाहर मैक्सिमम था उसकी जगह अब हमने डी एन लिख लिया है यहाँ पर ये डी फाइ डिवाइड बाई डी एन और चूँकि ये भी बात हमें जहन में है कि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी ये वेक्टर होती है तो इसको वेक्टर बनाने के लिए इसके यहाँ पर जो है वो आप एरो हेड लगाएं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ग्रेडियंट ऑफ फाइव तो ग्रेडियंट के ऊपर तीर का निशान आएगा और फाइव जो वो है वो स्केलर फंक्शन है राइट हैंड साइड के ऊपर डी फाइव डिवाइडेड बाई डी एन जहाँ लिखा हुआ है उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नॉर्मल यूनिट वैक्टर ताकि ये वैक्टर इक्वेशन बन जाए यहाँ पर आप देखें कि नॉर्मल यूनिट वैक्टर अटैच कर दिया गया है चलें तो अब अगर हमने कंप्यूट करना हो इसमें से ये जो इक्वेशन सामने लिखी हुई आपके नज़र आ रही है लेट्स सपोज कि इसमें से मैं ये चेंज इन स्केलर फंक्शन डी फाइ इसको कंप्यूट करना चाहूँ तो कैसे कंप्यूट करूँगा तो इस इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाइ यहाँ पर आप वेक्टर लाजमी बनाएंगे ग्रेडियंट के ऊपर ग्रेडियंट ऑफ फाइ इसका इस इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ दोनों एंड के ऊपर विद डी आर तो यहाँ देखें इक्वेशन जो लिखी हुई नज़र आ रही है आपको ग्रेडियंट ऑफ फाइव डॉट डी आर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया ऑन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर नॉर्मल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लिया विद डी आर अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ देखें कि लेफ्ट हैंड साइड तो उसी तरह चल रही है ये यह, यहाँ से यहाँ तक लेकिन राइट हैंड साइड के ऊपर देखें क्या चेंजेस आ रही हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लिया डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करना हमें आता है ए डॉट बीज इक्वल टू ए बी बिकॉज ऑफ थीटा तो यहाँ से नॉर्मल यूनिट वेक्टर का मैग्नीच्यूट आ जाएगा डी आर का मैग्नीच्यूट इंटू कॉज ऑफ थीटा नॉर्मल यूनिट वेक्टर का मैग्नीच्यूट जो है वो किसके बराबर होना है दैट इज़ इक्वल टू वन यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूट हमेशा वन होगा बाकी टर्म देखें क्या रहेगी ब्रैकेट में डी आर कॉज ऑफ थीटा और डी आर कॉज ऑफ थीटा किसके बराबर है दैट इज इक्वल टू डी एन कैसे यहाँ पर अभी देखें ऊपर जो डायग्राम हमने देखी थी उसमें फ्रॉम पॉइंट अगर हम इसको चलें ऐसे बनाकर दिखाओ ये हमने वेक्टर ए टू सी लिया था और ये आपने लिया था फ्रॉम ए टू बी और ये लिया था आपने फ्रॉम ऐसे ये तीन हमने वेक्टर्स लिए थे और इनको मैंने पॉइंट ए का नाम दिया था यहाँ पॉइंट सी था और यहाँ पॉइंट बी था यहाँ पर जो लेंथ है वो डी आर थी और यहाँ जो लेंथ है वो डी एन थी अब अगर हम और यहाँ पर एंगल जो है वो थीटा था अगर हम इस वेक्टर डी आर को रिजॉल्व करें इनटू तो इट्स कंपोनेंट तो आप यहाँ देखेंगे कि फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ये इसका बेस वेक्टर बन गया दैट इज़ इक्वल टू डी एन और ये इसका परपेंडिकुलर वेक्टर बन गया और अब बेस अगर आपने निकालना हो तो हमने इक्वेशन देखी थी बेस निकालने की जैसे वहाँ पर ए एक्स इज इक्वल टू ए काज ऑफ थीटा था होता इसी तरह अगर हमने यहाँ पर अब बेस डी एन निकालना है तो डी एन किसके बराबर आ जाएगा डी एन इज इक्वल टू डी आर कॉज ऑफ थीटा तो यहाँ से हम इसकी ये इक्वेशन आ गई डी एन इज इक्वल टू डी आर पॉज होती तो उसको आप यहाँ रिप्लेस कर लें यहाँ पर डी एन आ जाएगा तो डी एन और डी एन आपस में तो क्योंकि मैग्नीटूट है ये कैंसिल हो जाएगी और डी फाई जो है वो कंप्यूट हो जाएगा जो कि हमारा मेन टारगेट था यहाँ पर मैंने शुरू में कहा था कि अगर मैं डी फाई को चेंज इन स्केलर फंक्शन डी फाइव इसको कंप्यूट करना चाहूँ तो मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ ग्रेडियंट ऑफ फाइव डॉट डी आर अब यहाँ से आप देखें अगर हमने प्रूफ कर करना हो ग्रेडियन ऑफ फाइ इक्वल टू डेल ऑफ़ फाइव तो ये कैसे प्रूफ करेंगे आप कि ये जो ग्रेडियंट ऑफ फाइव है दैट इज़ इक्वल टू डेल ऑफ फाई इसके बराबर आपने साबित करना है इसकी शुरुआत हम फाई से कर लेते हैं फाई इज़ इक्वल टू फाई ऑफ एक्स वाई एंड जी फाई क्योंकि स्केलर फंक्शन है डिपेंड कर रहा है एक्स वाई और जी के ऊपर हमने इसको मैथमेटिकली लिख लिया दोनों तरफ अगर हम डेरिवेटिव अप्लाई कर दें यहाँ पर डी फाई लिख लें तो राइट हैंड साइड कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है यहाँ पर आप कर ली फाई ओवर कर ली एक्स और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे डी से क्योंकि अगर ये डी आपस में कटेंगे तो वही डेरीवेटिव ऑफ फाइव दैट इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं राइट हैंड साइड को तो ये राइट हैंड साइड पर आप सारी टर्म्स देख लें कर ली फाई ओवर कर ली वाई इंटू डी वाई आ गया करली फाइव ओवर कर ली जी इंटू डी जी हो गया यहाँ से हम इनको सेपरेट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ इट्स वेक्टर यहाँ पर देखें राइट हैंड साइड के ऊपर जो टर्म्स आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट जो है ये वो करली फाइव ओवर कर ली एक्स और करली फाइव ओवर कर ली जी करली फाइव ओवर कर ली जी के साथ हमने यूनिट वेक्टर अटैच कर दिए जिस डायरेक्शन में वो थे एक्स डायरेक्शन में आई जे और के इस तरह ये रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर हमने साथ अटैच कर दिए फिर आगे देखें डॉट प्रोडक्ट ले लिया गया है और सेकेंड जो ब्रैकेट है वो डी एक्स डी वाई और डी जी को हमने आई जे और के, के साथ अटैच करके लिख लिया और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो क्योंकि डॉट हमें पता है आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू वन होता है तो ये ऊपर वाली टर्म जो है वापस आ जाएगी तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ से जो सेकेंड ब्रैकेट है इसको मैं डी आर वैक्टर से ज़ाहिर कर सकता हूँ और जो फर्स्ट ब्रैकेट है अगर हम इसमें से फाई को बाहर कॉमन निकाल लें तो यहाँ देखें अभी हम इसको किस तरह से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अभी जो हमने प्रूफ किया था मैंने डी फाइव की वैल्यू को जब मैंने कंप्यूट किया था तो मैंने कहा था दैट इज़ इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाइव डॉट डी आर के बराबर होगा तो वो उससे रिप्लेस कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के ऊपर आप देखें वो इक्वेशंस वैसे ही लिख ली हैं जो ऊपर थी पहली ब्रैकेट भी और डॉट डी आर यहाँ से डॉट डी आर दोनों एंड के ऊपर नज़र आ रहा है तो इसको अगर हम यहाँ से ड्रॉप कर दें तो बाकी फंक्शन देखिए ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू निकल आएगी ग्रेडियंट ऑफ फाइव इज इक्वल टू ब्रैकेट जो बाकी बची थी करली फाई ओवर कर ली एक्स टाइम्स आई करली फाई ओवर कर ली वाई टाइम्स ए करली फाइव ओवर करली जी टाइम्स के इसमें से फाई को कॉमन निकाल लें वो बाहर आ गया बाकी ब्रैकेटेड टर्म जो है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ़ डेल ऑपरेटर इसको आप डेल लिख लें और फाइव उसके साथ अटैच कर दें तो यहाँ से ये यह साबित हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाइव इज इक्वल टू डेल ऑफ फाइ Thank you.